विद्यार्थी पंच लक्षण क्या गुरुकुल में विद्यार्थी पंच लक्षणम क्या है जानते हो? नहीं। काक स्नान भक ध्यान स्वान निद्रा तथैव च काक स्नान भक ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण सूत्र है। अब भर्तुहरि लिखे चाहे तपेश्वर चौहान विजेंद्र गिरी लिखे ठीक है। तो आप शिविर में आए हो तो आपका क्या गुण होना चाहिए? चलिए 10 दिन पुराना हो गए, आपको पूरा रिलैक्स दिया गया, कहीं आप भड़क ना जाओ, भटक ना जाओ, भाग ना जाओ, इसलिए 10-11 दिन आप लोगों को जानबूझ के तने ढीला छोड़ा जाता है, लेकिन आगे नहीं। ठीक है, अब ये 10 दिन है मुख्य साधना का समय, काम करना होगा। अब इस समय आपको 10 दिन बोला कि ये खाओ वो खाओ, ये पियो वो पियो, खा पी के तंदुरुस्त हो जाओ, 10 दिन खिला पिला के बाबूराम को मजबूत कर दिया। अभी और ऐसा नहीं, अभी कैसे? पहला चीज काक स्नान, विद्यार्थी का पहला नियम क्या बता रहा है? काक स्नान, काक स्नान बकत ध्यान स्वान निद्रा। ठीक है, काक स्नान माने काक जैसे तुरंत नहा उठो भागो। अब देखे कि महाराज नहा रहे ना, पानी गिर रहा है और महाराज नहा रहे रगद रगद के, कहा है बोला विद्यार्थी, समझे ना तपेश्वर चौहान करे, बस नहा न रहे हैं, कहाँ गए बोले नहाने, कहाँ गए बोले मल त्यागने। तो स्नान शब्द का अर्थ यह हो गया कि स्नान में दतून कर लेना, मल त्यागना और स्नान ध्यान जो भी आप कर रहे हो वो मात्र 3 से 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। उत्तम स्वास्थ्य में कहा गया है कि लैट्रिन खोले, पेंट खोले, मल त्यागे और निकल के आए, कंप्लीट काम धो के आने में 3 मिनट के अंदर जिसका हो रहा है उसी को स्वास्थ्यवान व्यक्ति समझना, और बैठा है और लगा रहा है फर्स्ट गियर सेकंड गियर थर्ड गियर प्रेशर, तो समझना कि इससे बड़ा बीमार तो कोई नहीं है। नहीं निकला तेरी पानी डालो पेट मारो, समझना कि ये ही सबसे महान बीमार आदमी है। और जज बनारसो के अंतर्गत बीमार लोगों को गोली मार देना चाहिए, धरती में जीने का कोई अधिकार नहीं, उनको सीधा बंदूक उठाओ और शूट कर दो, यही सबसे ज्यादा प्रकृति का नियम तोड़े हैं। तो आइंदा मैं नहीं देखूंगा यहां कि बेटा नहा ही रहे हैं, कंप्लीट 10 मिनट के अंदर दतून नहाना और स्नान। अब क्या हुआ बोले तपेश्वर चौहान दांत घिस रहे हैं, अभी तो दातून चबा रहे हैं, फिर घिसना होगा, घिसना के बाद महाराज फिर थुकाई करेंगे, फिर चटाई करेंगे, कितना सारा काम है, तो फिर काम नहीं बनने वाला। तो पहला नियम क्या? काक स्नान। दूसरा क्या? भकत ध्यान। काक स्नान भकत ध्यान, बड़ा ध्यान, बगुला जैसे, बगुला देखे हो बका, वो ऐसे ही बैठा रहे जहां मछली उसके पैर के नीचे से टपक। तो शिष्य का भी ये गुण है, बड़े ध्यान पूर्वक सुने, नहीं तो सुन रहे हैं एकदम सर ऊपर करके मोबाइल चला चला के, आचार्य जी कुछ कह रहे हैं, हमको कहने वाला कौन। काकस्नान भकत ध्यान। अब सोचो महाभारत पर्व में गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को, देख लेना महाभारत सीरियल डाउनलोड कर, ये सीन गुरुकुल वाला सीन, अश्वत्थामा को चुपके से बता रहे हैं कि चक्रव्यूह कैसे बनाना है, कैसे भेदना है, कैसे निकलना है। अर्जुन दूर से देख रहा है कि गुरु उसे ज्ञान दे रहे हैं, और बाकी कौरव पांडव और सारे बच्चे खेल रहे हैं, अर्जुन छोड़ के दौड़ा गुरु के पास। गुरु बोले अरे क्षेत्रीय बच्चा हो, जाओ खेलो, हम ब्राह्मण लोग ये सब प्लानिंग बनाते हैं, टेक्निकल दिमाग देते हैं, सब आपको दे देंगे तो कैसे होगा।
अर्जुन का उत्तर क्या था जानते हो? गुरु जब कुछ ज्ञान दे रहे हैं बैठे हैं तो 100 खेल छोड़ के उनसे ज्ञान लेना चाहिए, तब वो अर्जुन बना। ना युधिष्ठिर के दिमाग में घुसा, ना किसी और के दिमाग में घुसा। ठीक है, जब हम आए और सुबह 9 बजे तक बैठे हैं तो धरती का सारा काम एक तरफ और आचार्य के पास बैठना एक तरफ, क्योंकि आचार्य का समय बहुमूल्य है, मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ा बात है। ठीक है, हाँ, नहीं तो गायब हो जाते हैं ना, तो हमको ढूंढते ही रहता है आदमी लोग। कहीं बैठे होंगे पहाड़ के ऊपर ध्यान में, भाड़ में जाए धरती, हम रहे साड़ में, कोई मतलब नहीं है, किसी से 1 रुपया लेते नहीं है, तो इसीलिए हम कहीं जवाबदेही तो नहीं है ना। प्रशिक्षण आप कर रहे हो, हम नहीं। ठीक है, और हम मुड़ियल आदमी हैं, चले तो देखना वो ऊपर पहाड़ के ऊपर एकदम टॉप में बैठ के ध्यानस्थ रहेंगे, नहीं तो योग निद्रास्त करेंगे, नहीं तो जाप करते रहेंगे, पानी उनी ले लेते हैं, खाना पीना हुआ तो ठीक है, नहीं तो पत्ता उत्ता खा लेंगे, बैठे रहेंगे वहां। काकस्नान भगत ध्यान स्वान निद्रा कुत्ता, स्वान माने क्या, कुत्ता जैसे सोना, फटाक से उठो, नहीं तो क्या हुआ, गुरु जी आए हैं और वो चिल्ला रहा है, अब उठे नहीं है, तपेश्वर चौहान विजेंद्र गिरी सोए हुए होगा, फटाक एकदम देखा उधर से आए उससे पहले, समझ में आ रहा है, नहीं तो गुरुकुल का घंटी बज रहा है और तपेश्वर चौहान सोए हुए हैं, अब विजेंद्र गिरी उठा रहे हैं, होगा नहीं होगा। काकस्नान भगत ध्यान स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी, पहला बिंदु क्या हो गया, अल्पहारी स्वल्प आहार, अब बस खा रहे हैं एकदम दबा के पेट भरती, ज्यादा खाओगे तो नींद आएगा इच्छा में, इसका मतलब मेरा खा रहे हो क्या, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, भोजन सुबह का आहार स्वल्प आहार होना है, एक मुट्ठी दो मुट्ठी, जितना ज्यादा चबा के खाओगे स्वास्थ्य में उतना लगेगा, और जितना दबा 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 के पेट गोल करके खाओगे तो आप पीछे रह जाओगे पेट आगे। ठीक है, ओ तो इसीलिए अल्पहारी, चबा के खाना दबा के नहीं। ठीक है, और आखिरी हो गया क्या, गृह त्यागी, घर छोड़ने वाला, एक अलग बिंदु विचार है, घर माने कौन सा, कहाँ रहते हो, गृह शब्द का अर्थ क्या है, घर माने कौन, तुम्हारे बिहार वाला घर, गांव, गांव को घर कहते हैं, यहाँ पर जरूर सामान्य भाषा में तो घर माने वो जहां आप रहते हो। हम कहाँ सुखी पाते हैं ज्यादा, मन में बैठ के सोचने, सोच रहे कौन बोला, तपेश्वर चौहान विजेंद्र गिरी सोच रहे, कहा सोच रहे बाबू, लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत मजा आ रहा हो गया घर, वहां से निकली, जब तक उसे त्याग नहीं करेंगे और ध्यान यहां नहीं लगाएंगे, शरीर तो घर से छोड़ के आ गया आसान है, अब मन कहाँ है, अरे हमारा पिताजी का करते होंगे, हो बहू का करता होगा, माई का करती होगी, बहने ही का करती होगी, मन में लग गया है। शरीर से घर छोड़ना बहुत आसान है, मन से, ठीक है, तो उसी को कहा जाए गृह त्यागी, जो अपने अंदर का जो सुख देने वाली बिना मतलब का चिंता करने वाला गृह, और यहां से जो घर के प्रति जो मोह है उसको जो त्याग कर ले, वह गुरुकुल में उत्तम विद्यार्थी हो सकता है। ठीक है, कट।